हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है दे आर आल्सो नॉट श्योर 100%, वो भी 100% श्योर नहीं है कि उन्हें खुशी मिलेगी आपको छोड़ के या नहीं। आपको लगता ऐसे है जैसे कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको छोड़ते हैं कि आप बात नहीं करनी है, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ या मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ से, तो आपको लगता है कि यार ये तो चली जाएगी, इतना प्यार करता था, इसको अचानक हुआ क्या है, मैं इसको मनाने की कोशिश करता हूँ, इससे पूछूँ तो सही आखिर क्या हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपको बताते ही नहीं है, वो जस्ट डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। और यही चीज़ आपको सताती है कि मेरी गलती क्या है, बताओ तो सही। सो इस टॉपिक की बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चन हों आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो भी 100% श्योर नहीं है, ठीक है। क्यों श्योर नहीं है? वो इसलिए श्योर नहीं है कि एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, हम जैसे चीज़ों को प्लान करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ज़िंदगी वैसे नहीं गुजरती। आपने अपनी टीन एज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग की होगी, मैं ये पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं पायलट बनूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, बचपन से आप प्लानिंग करते आए हैं। ये ह्यूमन नेचर में है, हमारे डिसिप्लिन, प्लानिंग, हर किसी को लगता है कि मेरी प्लानिंग सबसे बढ़िया है, इसलिए वो किसी और को सुनता भी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग नई चीज़ें लर्न भी नहीं करते, हर कोई अपने दिमाग को ही बेटर समझता है। सो बचपन से आप प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब अगर आपकी 25-30 साल उम्र हो चुकी है और आप पीछे मुड़ के देखें तो क्या जो चीज़ें आपने प्लानिंग की थी वैसी हुई? उनमें से हार्डली शायद 10% चीज़ें वैसी हुई होंगी जैसे आपने प्लान की है, बाकी 90% सर्कमस्टेंसेज होते हैं, आप को कोई लोग मिल जाते हैं, आपका नया करियर स्टार्ट हो जाता है, एकदम लाइफ ट्विस्ट हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। कभी कभी आपने सोचा ही नहीं होता कि आप अगले 5 साल बाद ये वाली जॉब कर रहे होंगे जो अभी आप कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ होंगे जैसे लोगों के साथ अभी आप हैं। तो लाइफ बहुत ही एक जर्नी है, जैसे एक सफ़र होता है ना, तो आपको नहीं पता होता मुसाफिर कौन कौन से साथ होंगे, कौन कौन से स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, कौन कौन से बीच में फल फ्रूट बेचने वाले आएंगे, सो आपको कुछ नहीं पता होता। इसी तरह लाइफ भी ऐसी है। सो वो डिसाइड ये करते हैं कि ये बहुत बुरा है, उसको मैं छोड़ के चली जाऊँगी, और मैं छोड़ के चली जाऊँगी तो मुझे आज़ादी फील होगी, मैं बहुत इन्जॉय करूँगी, वो जो नया लड़का है उससे बात करूँगी, हमारी लाइफ बेस्ट होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आपसे ज़्यादा रिच या कोई फेमस या गुड लुकिंग या कोई एक चीज़ जो उन्हें उस टाइम चाहिए होती है वो उनको मिल रही होती है, इसलिए वो आपको फेंकते हैं साइड में और उस नए पर्सन को चेस करने में लग जाते हैं। जब वो नए पर्सन को चेस करते हैं तो ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो जब वो उस नए इंसान के साथ बात करते हैं तो उसमें भी गलतियां निकलती हैं। मे बी शायद वो आपकी तरह ज़्यादा जोक ना करता हो, खामोश रहता हो, ये आदत उनको अभी पसंद आ रही है, लेकिन और बहुत सी आदत होंगी, शायद वो लेज़ी हो, आप लेज़ी नहीं थे, या मे बी कोई बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो उनमें भी बुरी होंगी, उस नए पर्सन में भी, और उससे भी दिल भर जाएगा। सो अक्सर जो टीनेज लवर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से शादी करने की फौरन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी शादी हो जाए, और उन्हें ही उनकी जब शादी हो जाती है और उनसे 10 साल बाद मिलो और उनसे पूछो कि कैसा लगता है अपने लव मैरिज करके, तो वो इतने तंग आते हैं और अपने हस्बैंड की बुराई कर रही होगी वो, या वो अपनी वाइफ की बुराई कर रहा होगा कि ज़िंदगी अजाब हो गई, काश मैं शादी ना करता, मैं पहले पढ़ लेता, पहले मैं ये कर लेता, वो कर लेता, उनको लगता है उनके ड्रीम पूरे नहीं हुए सिर्फ अपने पार्टनर की वजह से। सो एज अ ह्यूमन ये हमारे नेचर में है कि हम कभी खुश नहीं हो सकते, ठीक है। सोने के पहाड़ पे भी आपको बिठा दिया जाए तो फिर भी आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, मुझे चांदी का पहाड़ ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ह्यूमन कभी खुश नहीं होते। तो जब वो आपको छोड़ते हैं तो उस टाइम तो उनको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर होने वाली, लेकिन जैसे वक्त और गुजरता है, जैसे टाइम गुजरता है, उनको रियलाइज़ होता है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज द ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जैसे कि कहते हैं कि दूसरी तरफ का ग्रास ग्रीन नहीं होगा, या जैसे उर्दू में हमारे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, सो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। सो इसलिए उनको जाने दें। जब आप उनको जाने देंगे तो ओवर द टाइम जो आपने रिलेशनशिप में सेक्रीफाइसेस किए होंगे, प्यार मोहब्बत से बात की होगी, उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया होगा, वो उनको याद आएगा। अगर फिर वही बात है, मैं तकरीबन हर वीडियो में आजकल कहता हूँ कि अपने करेक्टर के ऊपर वर्क करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपका करेक्टर अच्छा होगा लोग आपके पास वापस आएंगे, अगर आपका करेक्टर बुरा होगा, चाहे जितने अमीर हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं,
लोग नहीं आना चाहते वापस, क्योंकि वो कहते हैं कि यार वही है ना गाली देने वाला, वही है ना बदतमीजी करने वाला, वही है ना गंदी बातें करने वाला। सो करेक्टर फ्लॉ कभी शो मत करें, करेक्टर को अच्छा रखें। तो अगर आपका करेक्टर अच्छा होगा ओवर द टाइम, उनको आपकी कुर्बानियाँ सेक्रीफाइसेस याद आएंगी और वो वापस आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। एज अ फ्रेंड ही सही कभी कभी, लेकिन वो बात करना चाहेंगे, वो एक सहारा ढूंढना चाहेंगे, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है अपनी परेशानियाँ। तो अगर आप अच्छे लिसनर थे वो वापस आएंगे, आपसे बातें करेंगे। जब आप स्पेस देंगे तो उनके दिमाग में डर भी पैदा होगा कि क्या ये वो मुझे वापस मिलेगा नहीं, इस चक्कर में भी वो वापस आएंगे आपके पास। और अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर रहेंगे, एक जो बहुत अहम चीज़ है जिस पे आपको हमेशा रहना चाहिए, चाहे आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हों या ना हों, आपको हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर रहना चाहिए। आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, अपने किरदार को अच्छा बनाना चाहिए, अपने लुक को अच्छा बनाना चाहिए। ज़्यादा पैसा कमाने की सोचनी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपकी फैमिली की ज़िंदगी आसान हो, जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी आसान हो। तो अपने ऊपर वर्क करें, और अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, ऐसे इंसान को लोग खोते हुए डरते हैं कि अगर ये कुछ बन गया तो मैं पछताऊंगी, बुरी कौन होंगी, मैं बुरी होंगी, वो ये सोचेगी। तो इसलिए अपने ऊपर वर्क करें, खुद से प्यार करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद को चेंज शो करेंगे तो वो आपको खोने से डरेंगे, ठीक है। अगर अगर उसको ये लगता होगा कि अगर फॉर एग्जांपल लड़की ये सोचती है कि वो ही अवेलेबल है, उसके अलावा आप कोई हासिल नहीं कर सकते, आपकी औकात ही नहीं, तो आपको फौरन छोड़ जाएगी। लेकिन अगर उसको पता है कि आप एक अल्फा मेल हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं, आपके पीछे लोग मरते हैं, आप काम करते हैं, आप वैल्यूएबल हैं सोसाइटी में, तो उसको पता है कि कोई भी तुम्हें अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है, तो इसलिए वो आपको छोड़ते हुए डरेगी। सो इसलिए अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।